और लीना मणिमेखलाई की डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद। लीना पर दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज की गई। गलती मानने को तैयार नहीं लीना। सिर्फ सलमान चिश्ती जैसे लोग ही मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, मुल्क के दुश्मन वे लोग भी हैं जो भारत की जमीन से दूर हैं, लेकिन वो जानबूझकर लोगों की भावनाएं भड़काते हैं। हम आपको हिंदुस्तान की एक और दुश्मन से मिलवाते हैं। इनका नाम है लीना मणिमेखलाई, जो अपनी डॉक्यूमेंट्री काली के विवादित पोस्टर को लेकर चर्चा में हैं। लीना मणिमेखलाई के खिलाफ दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी लीन के बयान को आपत्तिजनक बताया है। इन सब के बीच लीना अपनी गलती को सुधारने और लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के बजाय विवाद को और भड़का रही हैं। लीना मणिमेखलाई ने कहा है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब तक जीवित हूँ मैं बेखौफ आवाज बनकर जीना चाहती हूँ। अगर इसकी कीमत मेरी जिंदगी है तो इसे भी दिया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर में माँ काली बनी अभिनेत्री के एक हाथ में सिगरेट है तो दूसरे हाथ में LGBTQ का झंडा दिखाए जाने पर लोग बेहद गुस्से में हैं। उनकी इस करतूत के खिलाफ सोशल मीडिया पर जमकर तूफान खड़ा हुआ है। ट्विटर पर अरेस्ट लीना मणिमेखलाई हैशटैग के साथ ट्वीट किया जा रहा है। और लीना मणिमेखलाई के पोस्टर के विवाद पर सांसद महुआ मोइत्रा ने स्टेटमेंट दिया है, सबको भगवान को अपने हिसाब से देखने की आजादी। टीएमसी ने अपनी सांसद के बयान से किनारा कर लिया। लीना मणिमेखलाई जैसे लोगों के साथ ही देश में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो किसी भी विवाद में खुद ब खुद पक्षकार बन जाती हैं। लोगों की भावनाओं का सम्मान करने और उन्हें आहत करने वालों की निंदा करने के बजाय ये विवाद को और भड़काते हैं। काली पोस्टर विवाद के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई परेशानी नहीं है। हिंदू होते हुए भी मुझे मेरी काली को मेरे हिसाब से देखने की आज़ादी है और लोगों को भी होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा खुद को प्रोग्रेसिव कहती हैं। उनका कहना सही है कि सबको अपने भगवान को अपने हिसाब से देखने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी किसी को नहीं है कि वो किसी के भगवान को गलत तरीके से चित्रित करे। महुआ मोइत्रा के इस बयान से खुद उनके पार्टी के लोगों ने किनारा कर लिया है। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा है, महुआ मोइत्रा की देवी काली पर की गई टिप्पणी उनके निजी विचार हैं, इसका पार्टी समर्थन नहीं करती। वहीं बढ़ता विरोध देखकर महुआ मोइत्रा खुद बैकफुट पर हैं। महुआ ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने कभी भी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया, न ही धूम्रपान शब्द का उल्लेख किया।